आप लोग समाज में ऐसा नेतृत्व खड़ा करने के लिए तैयार हैं जो आने वाले समय में इसी साथ आप लोगों की तस्वीर बदलने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? क्या देश के साथ मिशन 2014 के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो? अगर अधिकार हमारे जीने के, सीने पे अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने से। मैं गोंडवाना के सभी बेटों से, इस माटी के सभी बेटों से अनुरोध करता हूं कि ये पांचवी की लड़ाई, जो हमारे स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई, जो जमीन की लड़ाई, अगर आप लोग हमारे साथ एकजुट होते हैं तो ये कोई भी प्रशासन या सरकार की एजेंसी आपको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगी, और करेगी तो 10 बार सोचेगी कि ये जयस के आदमी है, इनके ऊपर हाथ लगाए, इनके ऊपर कार्रवाई करे या इनके ऊपर इनको 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर भेड़ चाल चलते रहोगे, दलाल नेताओं के पीछे भागते रहोगे, तो ये थोड़े बहुत बैठे हुए हैं, ये भी आप लोग बेच दिए जाओगे, और आप लोगों को पता नहीं सब कुछ गिरवी रखा हुआ है सरकार। एक एक आदिवासी को या सब कुछ गिरवी रख दिया, विदेश से कर्ज लेके आते हैं, आदिवासी कर्जे में डूबा हुआ। मेरे को बहुत सारों को सही डाटा नहीं पता है। तो साथियों, हमारी की लड़ाई है, और ये मिशन 2018 में हम लोग 1 करोड़ आदिवासी संसद का घेराव कर रहे हैं। हमारी मांग यही है, आदिवासी की जमीन लौटाओ, आदिवासी को विस्थापित किया उनको पुनर्वास करो, उनकी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए विशेष कानून बनाइए, पैसा कानून, पार्टी अनुसूची लागू निकेतन पर लागू करिए, आदिवासी शब्द को संविधान में जोड़िए, वन अधिकार कानून, वन में रहने वाले आदिवासियों को पट्टे दिया जाए, क्योंकि कानून बन गया है लेकिन 100 पट्टे देना चाहिए, वहां से 10 पट्टे दे दिए और खूब टिंडर और पीटती है कि मैंने इतने पट्टे दिए। आज भी ऐसे मेरे हजारों आदिवासी भाई है जिनको पट्टे नहीं मिले हैं, लेकिन 40-40, 50-50 साल से खेती कर रहे हैं। अब इनके मन में जिस दिन भी बेईमानी आई, आप लोगों को हटा देंगे। आप लोग नहीं हटोगे तो बंदूक की गोलियों से आपको फोड़ फोड़ दिया के नक्सली बोल के मार दिया जाएगा और आप लोगों को भगा दिया जाएगा। अरे कब तक लड़ेंगे इन बेईमानों से हम लोग? बस इस लोकतंत्र में जनता की ताकत है, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति की ताकत है, और वह ताकत का इस्तेमाल जिस दिन मेरा समाज करना सीख गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने से हिम्मत नहीं करेगी। साथियों,